नमस्ते। सौर तकनीकी विकास प्रशिक्षण के पहले सेशन में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार सिंह, आज आप लोगों को सोलर सिस्टम का जब भी हम बात करते हैं तो उसके बेसिक घटक क्या क्या हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट क्या क्या हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग बेसिक घटक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि सोलर सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या होते हैं इसमें और किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या वर्क है। तो सीरीज ऑफ वीडियोज होंगी जिसमें हम लोग अलग अलग तरह से घटक जानेंगे, फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानेंगे, फिर कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, रख रखाव कैसे करेंगे, वो सारी चीजों को हम लोग जानेंगे पूरे सीरीज में। तो आज हम लोग बेसिकली पांच चीजों पर बात करेंगे और ये पांच वो चीजें हैं जो कि सोलर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, यही चीजें हैं जो कि सोलर सिस्टम कहलाती है। तो इसमें जो पहला चीज है वो है सोलर मॉड्यूल, इसको सोलर पैनल बोलते हैं जनरल भाषा में। दूसरा होता है सोलर बैटरी और तीसरा है इन्वर्टर, चौथा है चार्ज कंट्रोलर और पांचवा है बैलेंस ऑफ द सिस्टम, जो भी सिस्टम लगाने के लिए और जो भी चीजों की जरूरत होती है उसको पीओएस बोलते हैं, बैलेंस ऑफ द सिस्टम। जब हम सोलर पैनल की बात करते हैं तो जनरली हमने आपने देखा होगा कि एक पैनल होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं, कुछ चीजें तो लगी होती हैं जिससे जिसको हम धूप पे रखते हैं तो वो बिजली बनाते हैं, लेकिन वो होते क्या है, उसको बोलते क्या है। तो जब आप एक सेल देखते हैं उसमें जो छोटे छोटे पैनल में मॉड्यूल में जो सेल लगे होते हैं उसको, जो छोटे छोटे काले काले बने लगे होते हैं उसमें, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और एक जिसको आप पैनल बोलते हैं उसको एक्चुअल में जो उसका नाम होता है उसको मॉड्यूल बोलते हैं, जिसमें सेल जुड़े होते हैं। और कई सारे जो मॉड्यूल होते हैं वो जुड़ के अरे बनाते हैं, एरे बनाते हैं। तो किसी भी सोलर पैनल में जो सोलर सेल होती है वो सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि वो एक सेल है। और जो फिर वो सेल जुड़ते हैं, फिर मॉड्यूल बनाते हैं, फिर इसके बाद अरे बनाते हैं, जो मैंने पहले भी बताया। और जो ये मॉड्यूल होते हैं वो बेसिकली दो रेंज में आते हैं, ये तो तीन रेंज, चार रेंज में, कई सारे रेंज में बोल सकते हैं, लेकिन हम सब कैटेगरी को नहीं बात कर रहे। जो मेजर जो पैनल मिलते हैं, बड़े पैनल मिलते हैं जो 40 वाट से शुरू होते हैं, वो 12 वोल्ट में आते हैं और 24 वोल्ट में आते हैं। 10 वाट के पैनल भी उसको 12 वोल्ट में बनते हैं। कई बार स्पेशल केसेस में फैन वाले या छोटे सिस्टम वाले वो उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग वोल्टेज में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो अगर 40 वाट से अगर हम देखें और उससे अबव देखें पैनल, 40 वाट से लेके 40 वाट से लेके 160 वाट और अभी कुछ कुछ कंपनी 165 वाट तक के पैनल बना रही है जो कि 12 वोल्ट में होते हैं। और दूसरे होते 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट के जो भी पैनल है 240 वाट से लेके अभी आज के टाइम में 575 वाट तक के आ रहे हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे 12 वोल्ट है, कैसे इसको पहचानेंगे कि ये 24 वोल्ट है। तो जो भी जनरली जो कंप्लीट सेल वाले पैनल होते हैं, अगर 36 सेल लगे हुए हैं उसमें अगर आप गिन रहे हैं, उसमें 36 अगर दिख रहे हैं तो वो हो गए आपके 12 वोल्ट, 60 या 72 हो गए तो वो हो गए आपके 24 वोल्ट। 60 के अब बहुत कम मिलते हैं पैनल, 60 के अब मार्केट में जनरली पैनल मिलते नहीं है। आप जितने भी पैनल देखेंगे वो 72 सेल के होते हैं। अब आप पूछेंगे कि 60 सेल और 72 सेल क्या होते हैं, तो जनरली इसमें वोल्टेज का फर्क होता है। 60 सेल 30 से लेके 40, 35 से 40 के वोल्ट के आसपास होता है, जबकि 72 सेल वाले जो होते हैं वो 45 से 50 वोल्ट के भी होते हैं। ये फिर अगर इसको कभी डिस्कस करेंगे कि पैनल 72 सेल और 60 सेल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये इसको कई पैरामीटर पे समझने पड़ेंगे आप। तो जनरली जहाँ पे भी बड़े सिस्टम लगाए जाते हैं, जहाँ पे वोल्टेज हाई की जरूरत होती है, वहाँ पे 72 सेल को यूज करते हैं। और जब भी हम सोलर पैनल की बात करते हैं उसकी इकाई क्या है, किसमें उसको मापते हैं, तो हमेशा वाट पिक में नापते हैं। डब्ल्यू के नीचे में पी लिखा होगा उसको पिक बोलते हैं। पिक का मतलब ये होता है कि जो फुल एफिशिएंसी के साथ या जो भी एक सोलर पैनल को, जैसे हम बात करते हैं 1 किलोवाट का पैनल एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, और वो जो 4 यूनिट बनाने का टाइम होता है सुबह से ही होता है, लेकिन हम
मानते हैं कि 11 बजे से लेके वो 3 बजे तक का जो टाइम है उसको पिक आवर्स बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करंट का उत्पादन होता है, जो पैनल होती है फुल एफिशिएंसी में काम करती है, तो उसी को पी बोलते हैं। हमेशा जब भी आप पैनल को किसमें बताते हैं तो हमेशा आप याद रखें कि हमेशा वाट पिक में बोलते हैं। जब भी सोलर मॉड्यूल बनाए जाते हैं, सोलर पैनल बनाए जाते हैं, तो उसमें जो सोलर सेल होते हैं उनको सीरीज में जोड़ के बनाए जाते हैं। तो जैसे 36 को सीरीज में जोड़ दिया, एक के बाद एक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जोड़ के प्लस अलग निकाल दिया और माइनस अलग निकाल दिया। सेम चीज जैसे 72 में करने हैं तो सीरीज में उसके सेल जुड़े रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी उसमें पैनल में सेल होते हैं उनको सीरीज में जोड़ के हम स्ट्रिंग बनाते हैं और उसको मॉड्यूल बोलते हैं। तो सोलर सेल काम कैसे करता है? तो अगर आप साइंस के ग्रेजुएट हैं, अगर आपने 12वीं तक भी पढ़ा है, साइंस फिजिक्स पढ़ा है, तो आप लोग वहां पे पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। थोड़ा हाई लेवल पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ताकि हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो ये जितने सेल होते हैं वो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, उसको अर्धचालक बोलते हैं। तो जब भी हम फिजिक्स में बात करते हैं कि मटेरियल कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं, एक चाल विद्युत के चालक होते हैं, एक चालक होते हैं और एक अर्धचालक होते हैं। तो सुचालक जैसे लोहा और ये दूसरे दूसरे चीजें होंगे जिनको, लोहा सोना एल्यूमिनियम चालक है, बताया जाए लकड़ी ये कुचालक है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अर्धचालक होते हैं। उसमें जब भी आप उसमें करंट पास कराएंगे तो बहुत तो नहीं जाएगा, लेकिन वो जाएगा लेकिन उसकी इफिशियंसी कम हो गई है, उसको अर्धचालक बोलते हैं। तो अर्धचालक मटेरियल जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है और भी दूसरे सारे हैं। तो जब भी सोलर पैनल बनाए जाते हैं तो उसके जो सेल होते हैं उसको सिलिकॉन और अगर दूसरे मटेरियल हैं उसको डोप करके उसको बनाए जाते हैं। तो अगर हम एग्जांपल के लिए सिलिकॉन सेल को अगर हम समझे, तो सिलिका के 2 तरह के पी टाइप और एन टाइप के 2 मटेरियल लेके उसको एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे उसमें होल्स और होल्स आप बोलिए या उसको धनात्मक बोलिए और ऋणात्मक जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे का मिलके जंक्शन बनाते हैं, जिसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। और ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन में पड़े होते हैं, जैसे ही उसको हम उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो इन होल्स और क्वार्टर्स को गति प्रदान कर देती है और वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं और होल्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ, दोनों कोलाइड करते हैं, बिजली बन वहां से बिजली बनती है और इसी को फिर हम एक टर्मिनल बना के उसको हम लोग हम उसको स्टोर करते हैं या उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है इसको समझने का, क्योंकि ये ज्यादा टेक्निकल है, हम आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं ले जाना चाहते। तो आप ये समझे, सेल जो होता है जब उस पर सूरज से रोशनी पड़ती है तो उसमें होल्स और क्वार्टर होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी उनको हम बोलते हैं, और फ्री फोटॉन या फ्री होल्स बोलते हैं, तो वो दोनों एक्टिव हो जाते हैं, वो क्रिया करते हैं और वो वहां पे बिजली का प्रवाह सर्किट में कर देते हैं। सोलर पैनल की जब हम बात करते हैं तो सोलर पैनल जनरली 3 तरह के होते हैं, एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन, दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन और तीसरा होता है थिन फिल्म। ये 3 तरह के पैनल यूज किए जाते हैं बिजली बनाने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कंडीशंस में, लेकिन जो जनरली यूज होते हैं वो मोनो और पॉली, ये 2 तरह के पैनल होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। और दोनों में आप समझ ऐसे सकते हैं कि जो भी मोनो पैनल होगा वो गोल गोल या साइड से कटे होंगे और ब्लैक होंगे, वो प्योर सिलिकॉन से बने होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन तो सिलिकॉन तो होता है, उसमें दूसरे भी जो अर्धचालक मटेरियल है उनको डोप किया जाता है, जर्मेनियम हो गया, कैडमियम हो गया, दूसरे बहुत सारे। अब इनके फायदे क्या हैं? तो जो प्योर सिलिकॉन के जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल होते हैं वो उसकी इफिशियंसी हाई होती है,
वो आप माने अभी वो 20% है, 20 से थोड़ा ऊपर नीचे आती जाती रहती है, ऊपर ही अभी हो गई है एफिशिएंसी। जो पॉलीक्रिस्टलाइन है उसकी एफिशिएंसी 15% तक है, और जो थिन फिल्म है उसके 7 से 10% है। अब इसके लाभ क्या है? तो जो मोनोक्रिस्टलाइन होती है उसकी क्षमता ज्यादा होती है, उसका जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा होता है, जनरेशन ज्यादा होता है। पॉली में क्या है, उसके लाभ की इसका जनरेशन थोड़ा कम होगा, क्षमता थोड़ा कम होगा, लेकिन दाम भी कम होता है। दाम कम होता है तो इसलिए लोग इसको जब छोटे सिस्टम लगाते हैं तो लोग जनरली पॉलीक्रिस्टलाइन को प्रेफर करते हैं कि चलो ठीक है, हमें बैटरी तो चार्ज करने हैं। तो पॉलीक्रिस्टलाइन की ये लाभ है कि इसके दाम थोड़े कम होते हैं। थिन फिल्म का जो होता है वो दाम भी कम होते हैं लेकिन, और उसका उत्पादन भी बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम उसके क्या है कि वो इफिशियंसी उसके बहुत कम होते हैं, 7 से 10% होते हैं, जो कि कोई मतलब ही नहीं है लगाने का। इतने उसमें कुछ बिजली ही नहीं बनेगा, बहुत ही कम मात्रा में बिजली बनेगा। तो जनरली इसको यूज नहीं किया जाता है, चाहे मेगावाट के प्लांट हो चाहे डोमेस्टिक के लिए हो, स्पेशल पर्पज में कहीं इसको यूज करते हैं लेकिन जनरली इसको यूज नहीं किया जाता। अच्छा, हानि हानि तो कुछ नहीं है, लेकिन बस ये कहते थे डिमेरिट जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल का, क्यों महंगा होता है, और जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो जो एक और बढ़िया चीज है उसमें कि वो हाई टेम्परेचर को भी बियर करता है, उसको सह लेता है, उसके जो सेल्स होते हैं वो खराब नहीं होते, इसीलिए ज्यादातर लोग पॉली को प्रेफर करते हैं। थोड़ा कम है, सस्ता भी है, और हल्का सा इफिशियंसी कम है ठीक है, लेकिन वो ज्यादा तापमान सहनशीलता है उसमें, और सेवा ठीक है, थोड़ा सा उसका सेवा का भी इम्पैक्ट है कि मोनो से उसका जो लाइफ टाइम है वो थोड़ा कम है, लेकिन थिन फिल्म में उसकी लाइफ बहुत ही कम है, वो 2-4 साल 5 साल में उसकी एफिशिएंसी खत्म ही हो जाती है, तो उसको इसीलिए इसको ज्यादातर यूज नहीं होता है। तो जब भी आप सोलर की बिजनेस करते हैं या काम अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको जानना चाहिए कि सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां कौन सी हैं। तो जैसे वारी है, प्रीमियर है, विक्रम सोलर है, लूम सोलर है, टाटा पावर है, यूटीएल है, तो रेंज आप कंपनी है, ल्यूमिनस है, तो आप किसी भी से भी पैनल ले सकते हैं, किसी भी तरह के पॉली या मोनो के साथ आप काम कर सकते हैं। तो कंपनियां बहुत सारी हैं, अब भाई आपको उसमें से देखना है कि पॉली की जरूरत है, आपको देखना है मोनो की जरूरत है, आपको देखना है थिन फिल्म का जरूरत ही नहीं है आपको। जब आप छोटे सिस्टम लगाते हैं थिन फिल्म की तो बात ही ना करें। तो जनरली जो मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन के ये सारी कंपनियां जिनसे आप पैनल ले सकते हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बैटरी, जब भी हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है। तो बैटरी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को संग्रहित करने का यंत्र है। तो आप बिजली तो बना देते हैं, बिजली तो कई सोर्स से बन सकते हैं, सोलर से बिजली बन गया, दिन में आप इसको यूज कर, रात में आपको यूज करना है तो क्या करेंगे, आपको कोई ऐसा चाहिए यंत्र चाहिए जो कि आपके जो आप दिन में बना रहे हैं उसको स्टोर करके रख सके, जब हमें रात में जरूरत है तो हम यूज करें। तो ये जो क्षमता है, ये जो काम है वो कौन करता है, बैटरी करती है। अब बैटरी की माप क्या है, उसको एम्पियर आवर्स में मापते हैं, इतना याद रखें हमेशा, उसको एम्पियर आवर्स में मापते हैं। और जो बैटरी होती है, हर बैटरी की वोल्टेज होता है, तो अगर जनरली जो भी बैटरी आप बड़ी बैटरी देखते हैं वो सब 12 वोल्ट की होती है, सेल जो छोटे छोटे देखते हैं वो उसके वोल्टेज अलग हो सकते हैं। तो अभी कितने तरह की बैटरी हैं, तो अगर हम लाइफ के हिसाब से देखें तो जो सबसे अच्छी बैटरी मानी जाती है वो लिथियम बैटरी, एकदम नई टेक्नोलॉजी है, उससे थोड़े नीचे में जाते हैं तो टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, लेड एसिड बैटरी उसको बोलते हैं, वो उसके जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है। उससे नीचे में जाते हैं तो फिर सील्ड बैटरी और ये सब देखते हैं, सील्ड सील्ड का भी परफॉर्मेंस बढ़िया है लेकिन उसका महंगा है, और लगभग लगभग वो लेड एसिड के बराबर ही है, तो इसीलिए लोग सील्ड को प्रेफर नहीं करते हैं, वो लेड एसिड बैटरी को यूज करते हैं। दूसरा है नॉन रिचार्जेबल बैटरी, जैसे आपका रिमोट का बैटरी हो गया, पहले आपके टॉर्च में बैटरी लगते थे, या और भी किसी चीज में जो बैटरी लगा रहे हैं और उसको यूज करके उसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, उसको फेंक दे रहे हैं, उसको नॉन रिचार्जेबल बैटरी को। तो सोलर में जो जो हम बैटरियों को यूज करते हैं वो जनरली
ट्यूबलर बैटरी होते हैं, लिथियम आयन बैटरी होता है, यही दो बैटरी को अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। जो तीसरा चीज है वो है सौर इन्वर्टर। अब इन्वर्टर क्या है? तो इन्वर्टर का काम है डीसी एनर्जी को कंट्रोल करना और उसको एसी में कन्वर्ट करना, और एसी एनर्जी को डीसी में कन्वर्ट करना करके बैटरी को चार्ज करना। तो ये दोनों काम करता है। तो जैसे डीसी एनर्जी आ रहा है तो डीसी एनर्जी को पैनल से आया, तो डीसी एनर्जी को फिर डीसी में डीसी के साथ उसको भेज के उसको बैटरी को चार्ज कर दिया, उसको उसमें कोई कंट्रोल नहीं किया, उसमें कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं किया। और फिर जब आपको आपके घर के सप्लाई के लिए देना है तो बैटरी से डीसी एनर्जी लिया और फिर उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट किया और आपके घर को सप्लाई दे दिया। तो ये जो पूरा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, क्या करना है, कितना बैटरी को चार्ज करना है, कब उसको बैटरी के चार्जिंग को रोकना है, घर में क्या सप्लाई देना है, ये सब सारा काम, जो सारा फंक्शन है वो इन्वर्टर करता है। तो जनरली इन्वर्टर को हम लोग वीएमए ले आते हैं या वाटेज में लाते हैं। तो जब भी आप बैटरी खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हमको 1 किलोवाट के चाहिए या 1000 VA के चाहिए। तो इस तरह से हम बात करके इन्वर्टर अपना लाते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 1 किलोवाट, तो वो 1.2 VA हो जाता है, 1.22 VA का हो गया इन्वर्टर। तो हमेशा आप वाटेज और VA को ध्यान रखें। तो VA जो होता है वो 0.84 से मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इन्वर्टर का इतना ही काम है। तो इन्वर्टर भी तो कई तरह के होते हैं। एक होता है कि नॉर्मल इन्वर्टर, जिसमें सोलर इन्वर्टर, जिसमें केवल सोलर से पैनल से सोलर आ रहा है और उसको उसने बैटरी को चार्ज किया और फिर उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करके दे दिया। दूसरा होता है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में क्या होता है कि उसमें पैनल वाले सारे फंक्शन तो वही है, बीच में उसमें एक और फंक्शन होता है कि आप जो घर का ग्रिड गया है उसके लिए भी वहां पे सेक्शन बने हुए हैं, आप ग्रिड को भी जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए कि रात हो गया, बैटरी डिस्चार्ज है, तो जब बिजली आई है तो बिजली का एसी वोल्टेज को लेगा और फिर वो डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करेगा, और फिर डीसी करंट को लेगा और डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके घर को लोड पे देगा। तो ये सारा काम ये इन्वर्टर करता है, इसको हाइब्रिड इन्वर्टर बोलते हैं। तीसरा होता है ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर। उसमें जनरली सोलर से जो बिजली बनता है उसको फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करके मीटर के माध्यम से उसको सीधे ग्रिड से कनेक्ट करके और उसको सप्लाई में डाल देते हैं। तो ये दो तीन तरह के जनरली इन्वर्टर हैं जो कि यूज किए जाते हैं, और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए। तो सेम चीज है, जैसे मैं बोल रहा था कि स्टैंड अलोन इन्वर्टर हो गया। तो ये इन्वर्टर ग्रिड से जुड़े नेटवर्क से अलग अलग संचालित होते हैं और इसमें बैटरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्ज चार्ज करके फिर उसको घर को फिर सप्लाई करते हैं। ग्रिड कनेक्टेड में सेम चीज है, और ये इसमें ग्रिड की भी लाइन आके जुड़ जाती है इन्वर्टर में, इसमें भी बैटरी की जरूरत होती है। और जो भी सोलर की जब भी हम बात करते हैं, ये साइन वेव इन्वर्टर होते हैं। तो नॉर्मल इन्वर्टर एक होता है, एक साइन वेव इन्वर्टर होता है। साइन वेव इन्वर्टर में और नॉर्मल इन्वर्टर में ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि जो जब भी बिजली आ रहा है, बिजली जा रहा है, तो उनके जो बीच की गैपिंग है वो नहीं होता, वो मिनिमाइज हो जाता है। और जो करेंट लॉसेस है, जब भी आप डीसी से एसी में कन्वर्ट कर रहे हो, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी घर के अप्लायंसेस को चला रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, तो जो लॉसेस हैं एसी से डीसी और डीसी से एसी वाले, वो मिनिमाइज होते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि सोलर में हम बहुत छोटे सिस्टम बनाते हैं, कम ऊर्जा आती है, और उसमें अगर लॉसेस अगर बढ़ेंगे तो हमारा जो ओवरऑल जो सिस्टम का इफेक्टिवनेस होगा वो कम होगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा उत्तम क्वालिटी के साइन वेव इन्वर्टर का यूज करते हैं। और अगला है जो चौथा पॉइंट है वो चार्ज कंट्रोलर। तो आप
चार्ज कंट्रोलर को भी आप ब्रेन कह सकते हैं। इन्वर्टर से इसमें डिफरेंसेस है, इन्वर्टर का काम होता है कि वो डीसी करंट को लेके एसी कन्वर्ट, बैटरी से एसी लेके डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके घर के अप्लायंसेस को चलाता है, जबकि चार्ज कंट्रोलर जैसे है वो वैसे ही वो आगे सप्लाई करता है, मतलब डीसी है तो डीसी को ही सप्लाई करता है। इसको लगाते क्यों है फिर, चार्ज कंट्रोलर की जरूरत क्या है, सीधे पैनल से बैटरी में जोड़ दिया और बैटरी को सीधे सप्लाई से जोड़ दिया। लेकिन अगर हम ये करते हैं तो बैटरी वो कितने दिन, 5 साल जो चलनी है 6 महीने में खत्म हो जाएगी, 3 महीने में खत्म हो जाएगी, ओवर चार्ज हो जाएगी, ओवर डिस्चार्ज हो जाएगी, तो इसको कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो बिजली को स्टोर तो करती है लेकिन उसको अपने से उसको कितना चार्ज होना है, कितना डिस्चार्ज होना है, वो कंट्रोल नहीं करती। तो ये सब सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर लगाया जाता है, चाहे वो पैनल से बिजली का बनना हो, बिजली का बन के आना हो, चाहे बैटरी का डिस्चार्जिंग हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज कंट्रोलर। अब इसका काम होता है कि अगर बैटरी फुल चार्ज हो गया तो ये बताएगा पैनल को कि अभी भाई हम बैटरी फुल चार्ज हो गया, अभी हमें नहीं चाहिए, जो भी उसका फिर करंट आएगा फिर उसको रिटर्न कर देगा। बैटरी सप्लाई में है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो जैसे ही वो डीओडी, अगर उसका 50% है, 60% है, 70% जो भी है उसका सेट है डीओडी, तो जैसे उस पे जाएगा तो वो आउटपुट को बोलेगा, जो अप्लायंसेस को बोलेगा कि अब हम अभी जो बैटरी है अब उससे ज्यादा उसको ट्रेन नहीं करेंगे, नहीं तो बैटरी खराब हो जाएगी। तो ये सारे जो ब्रेन वाले काम है कि कब किसको कहाँ स्टॉप करना है, कब किसको कितना चार्ज करना है, कितना डिस्चार्ज करना है, ये सारी चीजों को हम लोग चार्ज कंट्रोलर के माध्यम से रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। सिस्टम में शॉर्ट सर्किट ना हो इसको भी इसके माध्यम से हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब जो सिस्टम में जो बीओएस होता है वो क्या होता है, तो जैसे आप जब भी सोलर सिस्टम खरीदने जाते हैं तो पैनल हो गया, बैटरी हो गया, कंट्रोलर ले रहे हैं, अगर डीसी सिस्टम है तो कंट्रोलर है और एसी सिस्टम है तो इन्वर्टर है, ये 3 चीजें तो हो गई, लेकिन 3 चीजों से ही तो नहीं लेंगे ना, बाकी भी चीजें चाहिए। जैसे पैनल रखने हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए, तो स्ट्रक्चर हो गया, फिर पैनल से वायर ला के वहाँ इन्वर्टर या कंट्रोलर तक तो जोड़ने हैं तो वायर हो गया, क्योंकि सर्किट को प्रोटेक्ट करे कंट्रोलर को या इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करे तो फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज हो गया। अभी अगर बहुत सारे पैनल लगे हुए हैं तो कई सारे तार निकलते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए जंक्शन बॉक्स लगाते हैं, अरे जंक्शन बॉक्स लगाते हैं, डीसी जंक्शन बॉक्स लगाते हैं, एसी जंक्शन बॉक्स लगाते हैं, तो जो जिस तरह के जंक्शन बॉक्स की जरूरत हो तो जंक्शन बॉक्स हो गए। और कई बार मॉनिटरिंग सिस्टम भी होते हैं, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के, आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं आप उसमें लगा दिए तो आप वाईफाई से उसको चेक करते रहते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या चीजें कर रहे हैं। तो ये सब जब सारी चीजें बन जाती हैं, जब सारी चीजों को हम एक साथ मिलाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कंप्लीट सिस्टम। तो बीओएस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीओएस बिना तार के, बिना फ्यूज के, बिना जंक्शन बॉक्स के सिस्टम नहीं लगते हैं। तो पैनल, बैटरी, इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर और बैलेंस ऑफ द सिस्टम सभी मिलके एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।